आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो डाला था आपको खनिज संपदा का, उसका नेक्स्ट वीडियो एक दिन बाद उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको। और आपको अगर हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाभान्वित हो, घर बैठे पढ़े। तो आज जो टॉपिक ले रहा हूँ, राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक है और हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक नहीं आता होगा कि आरएएस तक ये टॉपिक आता है। टॉपिक का जो नाम है वो है राजस्थान की हस्तकला। अब नाम सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि सीधा सा टॉपिक है, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हर चीज थोड़ी थोड़ी अपन अच्छे से करेंगे तो हो जाएगी। और मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करता रहूंगा दोस्तों। तो देखिए, राजस्थान की हस्तकला टॉपिक के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं कि राजस्थान की हस्तकला कैसे, किस प्रकार से राजस्थान में उद्योग फल रहा है, फूल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो हस्तकला किसको कहते हैं? तो देखिए, इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछता है तो परिभाषा में सीधा सा जवाब है, हस्त मीन्स होता है हाथ और कला मीन्स होता है कलाकृति। हाथ से बनी आकर्षक वे कलात्मक कृतियां। हस्तकला किसको कहते हैं? हाथ से बनी आकर्षक वे कलात्मक कृतियां, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? हस्तकला। क्या कहते हैं? हस्तकला। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बात करूं, आपने घरों में देखा होगा बहुत से घरों में जैसे स्वेटर बुनते हैं अपन, तो वो हस्तकला का एक नमूना है। आपने देखा होगा कोई आकर्षक चीज अपन बनाते हैं, जैसे आपने, आपके लिए मैं बात बताऊं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो एक शब्द आता है अपन कहते हैं व्हील, कोठी, जिसको कहते हैं कोठी। तो हाथों से जो कलाकृति तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं? हस्तकला। ठीक है, याद रखना, राजस्थान को हस्तकला का संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान को हस्तकला का क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों। शिल्प कला का संग्रहालय कह दीजिए, हस्तकला कह दीजिए, अगर ये बात ऐसे पूछी जाती है, शिल्प कला का भी क्या कहते हैं इसको? संग्रहालय कहते हैं। ठीक है, किसको कहा जाता है? राजस्थान को। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ जयपुर को माना जाता है। कौन से जिले को माना जाता है? जयपुर को माना जाता है। ठीक है, तीन चार चीजें हैं शुरुआत की, वो आपको याद ध्यान रखनी है। हाथ से बनी हुई आकर्षक कलात्मक जो वस्तुएं होती है उनको हस्तकला कहते हैं। राजस्थान को हस्तकला का या शिल्प कला का क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का जो तीर्थ कहा जाता है वो कौन से जिले को कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। अब देखिए, हस्तकला इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, संस्थानों के द्वारा क्या प्रयास हुए हैं, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यहां से मैं आपको, तो देखिए, सबसे पहले आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। हाथ से बनी हुई आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं उनको क्या कहा जाता है? हस्तकला। राजस्थान में हस्तकला का संग्रहालय किसको कहा जाता है? हस्तकला का संग्रहालय कहा जाता है किसको? राजस्थान को। उसके बाद राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? आपके जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक अपन आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। अब
अब देखिए राजस्थान के जो हस्तकला है इसको प्रोत्साहित, इसको प्रोत्साहन, इसको आगे बढ़ाने में जो योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो कौन से संस्थान का है, तो आपको ध्यान रखना हस्तकला को आगे बढ़ाने ऑब्लिक प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान। तो देखिए हस्तकला को आगे बढ़ाने या प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो कौन से संस्थान का है दोस्तों, राजसिक्को। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा संस्थान है, राजसिक्को। अब इस राजसिक्को का पूरा नाम आप जानते हो, इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में हस्तकला को प्रोत्साहित करने वाला संस्थान कौन सा है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा, राजसिक्को। राजसिक्को का पूरा नाम कौन सा है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। ठीक है, अब यहां से दो तीन चीजें और देख लेते हैं। इस राजसिक्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, जयपुर। इसकी अगर स्थापना पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, राजसिक्को की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 3 जून 1961। तो राजसिक्को राजस्थान लघु उद्योग निगम, मुख्यालय कहां हो गया, जयपुर। स्थापना कब हुई, 3 जून 1961। अब जब मैं अपन को आपको मैं उद्योग पढ़ाऊंगा उस समय भी रिको राजसिक्को नामक जो संस्थान उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हस्तकला से संबंधित है आपका, इसलिए मैं आपको इसकी चर्चाएं कर रहा हूं। अब देखिए राजसिक्को को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है, तो इसके उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं राजसिक्को संस्थान के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में देखिए हस्तशिल्पकारों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, पहला। तो उद्देश्य देखिए, पहला उद्देश्य है हस्तकला में हस्तशिल्पकारों को, या शिल्पकार कह दीजिए, हस्तशिल्पकारों को दीर्घकालीन ऋण की क्या करना, उपलब्ध करवाना। यानी किसी के उद्योग को लगाने के लिए अपन को पास सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, पैसे की। और पैसा भी ऐसा होना चाहिए कि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा उद्योग लगा और हमें दूसरे दिन ही कोई पैसे वाला मांगने वाला खड़ा हो जाए। इसीलिए संस्थान के द्वारा एक शर्त रखी गई है दीर्घकालीन, यानी कि थोड़ा समय दिया जाता है जो रोजगार प्राप्त करता है उसके लिए, थोड़ा सा क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है, और समय देने के बाद उसका ऋण क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, अब देखा हमारे पास पैसा आ गया, पैसे से हमने मशीन लगा ली, लेकिन मशीन लगा ली प्रोडक्ट बन गया, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी। तो दूसरा यही संस्थान हस्तकला वालों के लिए कच्चे माल की क्या करता है, आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। ठीक है, जैसे हमें चूड़ी बनानी है, अब चूड़ी बनाएंगे तो हमें लाख की आवश्यकता पड़ेगी, तो लाख हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम कौन से संस्थान से जाकर अपन बात कर सकते हैं, राजसिक्को से। ठीक है, अब हमारे पास पैसा आ गया, मशीन आ गई, मशीन के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, कच्चा माल आ गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है ना वो बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें कोई निश्चित जगह, उचित जगह चाहिए, तो यही संस्थान हमारे लिए क्या कार्य करता है, तो तीसरा इसका कार्य आपको याद रखना है दोस्तों, उचित बाजार उपलब्ध कराना, उचित बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, तीन शर्त आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान की हस्तकला, हाथ से बनी हुई कलात्मक आकर्षक वस्तुओं को क्या कहा जाता है, हस्तकला कहा जाता है, राजस्थान को हस्तशिल्प कला का संग्रहालय कहा जाता है, और राजस्थान में हस्तकला का जो तीर्थ कहा जाता है वो कौन से जिले को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हस्तकलाकार है वो जयपुर के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है इनकी। उसके बाद हस्तकला को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा संस्थान हमारे प्रयासरत है, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सा संस्थान हो जाएगा, राजसिक्को
इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, जयपुर में है। इसकी स्थापना आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो स्थापना ध्यान रखना 3 जून 1961। इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य देखिए, हस्तशिल्पकारों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, कौन सा संस्थान, राशि को। कोई भी हम व्यवसाय लगाते हैं तो व्यवसाय जब स्थापित करते हैं तो हमें पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा हमें उपलब्ध कराया कौन सा संस्थान, राशि को। उसके बाद पैसा आ गया तो मशीन लगा दी, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए माल की आवश्यकता होती है, तो यही संस्थान हमें क्या करता है, सब कच्चे माल की भी क्या करता है, आपूर्ति करता है। तीसरा, यही संस्थान हमें कच्चा माल बनने के बाद जब फैक्ट्री लग जाती है तो हमें उस माल को बेचने या प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें क्या उचित बाजार क्या करता है, उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अब इसी संस्थान ने एक बहुत अच्छा काम किया था और उस कार्य के लिए, यहां तक अगर कोई बात, अगर कोई चीज आपके माइंड में नहीं आई हो तो मुझे एक कमेंट में डाल के बताइए, मैं आपको और सॉल्यूशन को बता सकता हूं। अब आगे देखिए, राजसी को संस्थान ने राजस्थानी हस्तशिल्प कला को विदेशों में लोकप्रिय करने के लिए, देखिए राजस्थान की जो हस्तशिल्प कला है इसको विदेशों में किस प्रकार से लोकप्रिय बनाया जाए, इसी संदर्भ में संस्थान ने बहुत अच्छा कदम उठाया। और इस संस्थान के द्वारा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, राज सिको के संस्थान के द्वारा आपको ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स खोला गया जिसका नाम था एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। ये प्रश्न आया हुआ है तो याद रखना, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कौन से संस्थान के द्वारा की गई है, राजसिको के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था कि राजस्थानी हस्तशिल्प कला को विदेशों में लोकप्रिय करने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स खोला गया था, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। इसका जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, सांगानेर। और सांगानेर कहां पड़ता है आपका, जयपुर। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी स्थापना में ध्यान रखना 1979, ठीक है। अब किस प्रकार से लोकप्रिय करेगा भाई, ये संस्थान ऐसा क्या लोकप्रिय करेगा, तो देखिए हमारे राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर है, सांगानेर में है, तो विदेशी जो पर्यटक होते हैं जितने भी फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट के माध्यम से वहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब एक विशाल शिल्पकारियों की एक दुकान खोली गई है। उन विशाल शिल्पकारियों दुकान से जब कोई विदेशी पर्यटक अपनी हस्तकला को लेकर अपने देश जाता है तो वहां जब देश जाता है तो वहां चर्चाएं होती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहां से आए। तो फिर जैसे माना कि कोई ब्रिटिश का नागरिक है, वो ब्रिटिश का जो यात्री है वो लेके गया ब्रिटेन, जब उसने दिखाई दो चार लोगों ने कहा कहां से लाए हो, उन्होंने कहा इंडिया में कहां से, बोले राजस्थान में कहां से, बोले मैं जयपुर से लाया हूं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हस्तशिल्प कला थी इसको हमने तक प्रोटेक्ट कर दिया, विदेश कर दिया। तो यही उद्देश्य है कौन से संस्थान का, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, राज्य सरकार के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स के अलावा राज्य सरकार के प्रयास देखिए, तो राजस्थान सरकार के द्वारा शिल्प ग्राम खोले गए हैं। क्या खोले गए हैं, शिल्प ग्राम। तो राजस्थान में शिल्प ग्रामों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो राजस्थान में जो शिल्प ग्रामों की संख्या है वो कितनी है, 4। एक हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर, ठीक। दूसरा पालगांव शिल्प ग्राम जोधपुर, पालगांव शिल्प ग्राम जोधपुर। तीसरा पुष्कर शिल्प ग्राम अजमेर। और चौथा है आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो है आपका सवाई माधोपुर, ठीक है।
अगर प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में कितने शिल्पग्राम हो गए, चार। चार शिल्पग्रामों में आपको याद रखना है राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम कौन सा है, तो प्रथम जो शिल्पग्राम है वो कौन सा है, आपका हवाला है, दूसरा पालगांव है, तीसरा पुष्कर और चौथा कौन सा, सवाई माधोपुर। तो ये हमारे हस्तशिल्प कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक चीजें थी, वो मैंने आपके सामने प्रोवाइड किए। देखिए एक बार पुनः बता रहा हूँ, हस्तकला हाथ से बनी हुई आकर्षक वस्तुओं को क्या कहते हैं, हस्तकला। हस्तशिल्प कला का जो संग्रहालय माना जाता है वो किसको माना जाता है, राजस्थान को। राजस्थान में जयपुर को हस्तकला का तीर्थ कहते हैं, ठीक। इसी हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक संस्थान कार्यरत है, जिस संस्थान का नाम क्या है दोस्तों, राजसिको। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, इसकी स्थापना कई बार आई हुई है, राजसिको इसका नाम है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई, 3 जून 1961। इसके उद्देश्य क्या है, तो हस्तशिल्प कलाकारों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है, उचित बाजार उपलब्ध करवाता है, ठीक है। उसके बाद यही संस्थान हमारे हस्तशिल्प कला को विदेशों में लोकप्रिय करने के लिए, कहां पर लोकप्रिय करने के लिए, विदेशों में लोकप्रिय करने के लिए, कौन से संस्थान द्वारा, राजसिको के द्वारा हस्तशिल्प कला को विदेशों में लोकप्रिय करने के लिए क्या खोला गया, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। और ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है, सांगानेर जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई, 1979, ठीक है। अब उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में शिल्प कलाकृतियों को एकत्रित करने के लिए चार शिल्पग्राम खोले गए हैं, और राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है, चार। पहला कहाँ है, हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में है, अलगाव शिल्पग्राम जोधपुर, तीसरा है पुष्कर शिल्पग्राम अजमेर, और चौथा है सवाई माधोपुर। ये तो हुआ प्रारंभिक एक हस्तकला के लिए विकास, हस्तकला क्या होती है उसके लिए। अब हम हस्तकला की कलाकृतियों की ओर बढ़ेंगे, तो यहां तक। उसके बाद हस्तकला की कलाकृतियों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज अगर कोई भी चीज में आपको डाउट क्लियर हो रहा हो, अगर कुछ ऐसा लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हो अपने पोस्ट में, और फिर मैं एक बार आप सभी का साथ चाहूंगा। आप सभी का प्यार और भरोसा हमारे लिए प्रोत्साहन देता है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे और स्टूडेंट लाभान्वित हो सके, हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके, और हम को टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो अलग अलग से डालते रहे और मिलती रहेंगी। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो देखिए अगली में मैं बात करूंगा आपसे, फर्स्ट कलाकृति की बात करता हूं आज, काष्ठ कला। कौन सी कला, काष्ठ, जानते हो काष्ठ कला का मतलब, काष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, लकड़ी, अर्थात लकड़ी से बनी कलाकृति को काष्ठ कला कहा जाता है, कहा जाता है काष्ठ कला, ठीक है। अब यहां से देखिए काष्ठ कला, ये प्रश्न तो एक बेसिकली आप जानते हो, लेकिन प्रश्न जो पूछने लायक प्रश्न है वो ये है, काष्ठ कला का मुख्य केंद्र कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाता है काष्ठ कला का मुख्य केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है काष्ठ कला का मुख्य केंद्र है बस्सी, और बस्सी कहां पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो काष्ठ कला का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा, बस्सी चित्तौड़गढ़। दूसरा आपको ध्यान रखना है, काष्ठ कला का अगर आपसे पूछा जाता है काष्ठ कला का जनक कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रभात जी सुथार। काष्ठ कला का जनक कौन हो जाएगा, प्रभात जी सुथार। लकड़ी से बनी आकर्षक कलाकृतियों को काष्ठ कला कहते हैं। काष्ठ कला का मुख्य जो केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। काष्ठ कला का जो जनक है वो कौन है, प्रभात जी सुथार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए काष्ठ कला की विभिन्न कलाकृतियों के बारे में अब मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले चौपड़े, देखिए इसमें से प्रश्न ऐसा आता है, चौपड़े क्या है, तो बताइए क्या होता है चौपड़े। चौपड़े में बताता हूं दोस्तों, अक्षत, कुमकुम को रखने के लकड़ी के पात्र, अक्षत और कुमकुम को रखने के लकड़ी के जो पात्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके चौपड़े कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं, चौपड़े, ठीक। उसके बाद दूसरा है पाजोट। अब ये तो आप सभी जानते हो क्योंकि घर में सभी यूज लेते हैं। तो बाजोट में आपको क्या ध्यान रखना है, पूजा में भोजन के काम में ली जाने वाली लकड़ी की वर्गाकार चौकी, लकड़ी की वर्गाकार चौकी, ये क्या कहलाती है आपकी बाजोट, ठीक है, क्या कहलाती है बाजोट। उसके बाद तीसरा बात करें अपन, तीसरी इसकी कलाकृति की बात करें तो आपको ध्यान रखना है खांडा। खांडा क्या है, तो खांडे में देखिए क्या होता है खांडा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है लकड़ी की तलवार नुमा आकृति। तो लकड़ी की तलवार नुमा जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, खांडा। अब दोस्तों इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूं आपको। खैरादी जो जाति होती है, कौन सी जाति होती है दोस्तों, खैरादी जाति, होली के अवसर पर, खैरादी जाति होली के अवसर पर अपने जजमानों को ये कलाकृति भेंट करते हैं, ये कलाकृति भेंट करते हैं, ठीक है। चौपड़े हो गया, पाजोट हो गया, खांडा हो गया, उसके बाद आता है बेवाण। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, काफी बार प्रश्न में एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है बेवाण, किसको कहते हैं, तो बेवाण किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां से बेवाण के बारे में शब्द स्पष्ट कर सकते हो, तो वो देखिए कौन सा शब्द है आपका बेवाण के लिए, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति, ठीक है, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति जिसमें देवताओं की झांकी निकाली जाती है, देवताओं की झांकी निकाली जाती है। देखिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, बेवाण, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है आपको ध्यान रखना है। लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है जिसमें देवताओं की क्या निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, बेवाण कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर आप देखो तो आपको याद रखना जल झूलनी, और वो जो आप देखते हो ना जल झूलनी के दिन अपन ठाकुर जी को, अपने जो ठाकुर जी होते हैं उसको जल झूलने के दिन क्या करते हैं, अपन डोला में बिठाकर, लकड़ी की आकृति होती है उसमें बिठाकर शहर गांव के मुख्य मार्ग से ले जाते हैं, तो वो जो जिसमें ठाकुर जी विराजमान होते हैं लकड़ी की बरगा का जो सॉरी लकड़ी की जो आकृति होती है मंदिर नुमा, उसमें ठाकुर जी जो विराजमान होते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, बेवाण कहलाती है। अब जल झूलनी से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जल झूलनी, और जल झूलनी का जो मेला है वो लगता है गडबोर, और गडबोर कहां पड़ता है, राजसंबंध, कहां पर पड़ता है, राजसंबंध में, ठीक है। कब लगता है तो आपको ध्यान रखना, जल झूलनी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, कब आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। अब भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन तीन मेले लगते हैं राजस्थान में, आपको याद रखने हैं तीनों के तीनों मेले, कौन कौन से मेले लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूं भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। तो देखिए एक तो लगता है जल झूलनी का मेला, सॉरी चार भुजा नाथ जी का मेला, और ये लगता है साहब आपका कहां, राजसंबंध, ठीक है। दूसरा लगता है सांवरिया जी का मेला, और सांवरिया जी का जो मेला लगता है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है। तीसरा लगता है डिगी कल्याण जी का मेला, किसका मेला, डिगी कल्याण जी का मेला, डिगी कल्याण जी का जो मेला लगता है मालपुरा टोंक में लगता है, तो जल झूलने के दिन, ठीक है। चौपड़े हुए, बाजोट हुआ, खांडा हुआ, बेवाण हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन चलते हैं तो देखिए आगे आगे शब्द आता है काबड़।
और इसका उपनाम आपको याद रखना है दोस्तों, कावड़ को कहते हैं चलता फिरता देवालय। तो चलता फिरता देवालय किसको कहा जाता है, तो कावड़ को कहा जाता है। अब कावड़ क्या होती है, देखिए लकड़ी की बड़ी मंदिर नुमा आकृति होती है जिसमें कपाट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं दोस्तों, कपाट लगे होते हैं। मैंने आपको बताया बेवाण में तो क्या लकड़ी की छोटी मंदिर नुमा आकृति होती है, लेकिन इस कावड़ में क्या होता है, लकड़ी की मंदिर नुमा बड़ी आकृति होती है जिसमें क्या लगे होते हैं, कपाट। अब जब कपाट लगे होते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक कपाट पर जैसे अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये इसमें क्या लग रहे हैं, कपाट। और कपाट का मतलब आप जानते हो, कपाट लगे हैं। कपाट पर क्या होता है, इन कपाटों पर आपको याद रखना है दोस्तों, इनके कपाटों पर श्री राम जी के चित्र लगे होते हैं। किसके चित्र लगे होते हैं, श्री राम जी की, इसलिए इसको कहा जाता है राम जी की कावड़। क्या कहा जाता है, राम जी की कावड़। ये आपके क्या हो जाता है साहब, कावड़ कला हो जाती है। ठीक है, कावड़ के बाद में तोरण, ये बड़ा बढ़िया शब्द है आप सबके लिए। तोरण क्या होता है, अच्छा बताओ, बर के घर लगता है बधू के, अच्छा सब जानते हो, लकड़ी की मोर या सुग्गा पक्षी जैसी आकृति, सुग्गा पक्षी जैसी आकृति जो वधू के घर पर लगाई जाती है। लकड़ी की एक मोरनुमा या सुग्गा पक्षी होता है ना, उसनुमा आकृति होती है तोरण की, और तोरण को वधू के घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। और याद रखना, तोरण जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो आपको याद रखना है शक्ति प्रदर्शन का। किसका प्रतीक होता है, शक्ति प्रदर्शन का। ठीक है, अब यहां तक अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं आगे चलूं, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने आपको टॉपिक लिया था कौन सा, काष्ठ कला। काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी, अर्थात लकड़ी से बनी कलाकृति, लकड़ी से बनी आकर्षक कलाकृति जिनको क्या कहा जाता है, काष्ठ कला। काष्ठ कला का जो मुख्य केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। काष्ठ कला का जो जनक माना जाता है वो प्रभात जी सुथार को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद काष्ठ कला की जो कलाकृति कौन कौन सी थी, चौपड़े। तो लकड़ी के जो अक्षत और कुमकुम को रखने के लकड़ी के जो पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन चौपड़े कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चौपड़े कहते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, बाजौट तो अपन पूजा के काम में लेते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो भोजन परोसने के काम में लेते हैं, तो जो चौकी होती है घर में लकड़ी की उसको क्या कहा जाता है, बाजौट कहा जाता है। खंडा, ये क्या है, लकड़ी की एक तलवार नुमा आकृति होती है, उसको क्या कहते हैं, खंडा। और खैरादी जो जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इसको होली के अवसर पर अपने जजमानों को क्या करते हैं, भेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देवाण, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति जिसमें जल झूलने के अवसर पर देवताओं की क्या निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं दोस्तों, बेवाण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जल झूलनी कब आती है, तो जल झूलनी आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और जल झूलनी को कितने मेले लगते हैं राजस्थान में, तीन। जल झूलनी आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कितने मेले लगते हैं, तीन। चार भुजानाथ जी का मेला गढ़बोर राजसमंद में लगता है, और चार भुजानाथ जी का मेला गढ़बोर राजसमंद में लगता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सांवरिया जी का जो मेला लगता है वो मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है, और डिगी कल्याण जी का जो मेला है वो मालपुरा टोंक में लगता है। ठीक है, उसके बाद है कावड़, इसको कहते हैं चलता फिरता देवालय। अब यहाँ शब्द में स्पष्ट है, यहाँ तो मैंने क्या, मंदिर की छोटी लकड़ी की मंदिर की छोटी नुमा आकृति थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बड़ी आकृति होती है मंदिर नुमा जिसके प्रत्येक कपाट पर भगवान श्री राम के चित्र बने होते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, कावड़ कहा जाता है, और इसी को कहते हैं राम जी की कावड़। तोरण, लकड़ी की मोर या सुग्गा पक्षी जैसी आकृति जो वधू के घर पर लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। तोरण किसका प्रतीक होता है दोस्तों, किसका होता है, शक्ति प्रदर्शन का। किसका, शक्ति प्रदर्शन का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
आपको अगर वीडियो पसंद आती हो, पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने जो भी मित्र दोस्त पड़ो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये पहुंचाएं, आपका ये दायित्व है। और यही हमको आपका क्या, यही जो प्रयास, आपका जो प्रयास है वो हमको हौसला देता है, हम प्रोत्साहित होते हैं। और प्रोत्साहित होने के बाद में आप लोगों तक हमारा भी मन प्रोत्साहित भरा होता है, हम छात्र के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे बार बार यही निवेदन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन अब कठपुतली। कठपुतली याद रखना अरडू की लकड़ी से बनती है। कठपुतली कौन सी लकड़ी से बनती है? अरडू की लकड़ी से बनती है। कठपुतली निर्माण के जो केंद्र है राजस्थान में वो आपको ध्यान रखना है, उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद एक शब्द और है, पात्रे पितरनी। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पात्र पितरनी क्या होता है? तो देखिए, जैन संतों के भिक्षा मांगने के लकड़ी के पात्र, जैन संतों के भिक्षा मांगने के लकड़ी के जो पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? पात्रे पितरनी। और ये राजस्थान प्रसिद्ध है कहाँ के? पीपाड़। और पीपाड़ जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर में। कहाँ के प्रसिद्ध है ये? पीपाड़ जोधपुर के, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए उसके बाद में यहां से एक आती है आपकी चंदन की काष्ठकला। और चंदन की काष्ठकला में आपको ध्यान रखना है, चंदन की जो लकड़ी होती है उस पर कलाकृति जो की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना, वो जो कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू। और इसका जो प्रवर्तक है वो कौन है? मालचंद सोनी। कौन है दोस्तों? मालचंद सोनी, ठीक है। उसके बाद आपको दो तीन शब्द आपको याद रखने हैं, झेरणा, नेत्री, रई, गिड़गिड़ी। ये दही बिलोने के यंत्र हैं, दही बिलोने के लकड़ी के यंत्र हैं, ठीक है। देख लिया, कठपुतली अरडू की लकड़ी से बनती है, इनका केंद्र है उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखिए, अगर आपसे एक चीज और पूछ ली जाती है दोस्तों, तो वो आपको यहाँ बता देता हूँ, कठपुतली कला को संरक्षण देने का जो कार्य करता है वो करता है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सांवर के प्रयास से की गई थी, है ना। पात्रित पितरणी, ये जैन संतों, जैन जो संत हैं उन संतों की भिक्षा मांगने के लकड़ी के जो पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? पात्रे पितरनी कहते हैं। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? पीपाड़ जोधपुर के। चंदन की जो काष्ठ कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू की है। प्रवर्तक कौन है? मालचंद सोनी है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेरणा, नेत्री, रई, गिड़गिड़ी ये सब क्या है? तो दही बिलोने के लकड़ी के जो यंत्र है वो क्या कहलाते हैं आपके? ये है, ठीक है। नेक्स्ट हस्तकला का पार्ट टू मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो दोस्तों आप मुझे है ना इसमें कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आराम से घर पढ़ाई करो, ठीक है।